हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI की तरफ से अप्रेंटिस की वैकेंसी आई है 2023 के लिए। बम्पर नंबर ऑफ सीट्स रहने वाली है, हर स्टेट के लिए वैकेंसी है और आपको मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आप इसके रिगार्डिंग अगर थोड़े से इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल वे में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, ट्रेनिंग पीरियड क्या होगा, जॉब परमानेंट है या नहीं, सारा कुछ बताने वाली हूँ। तो चलो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते फ्रेंड्स, वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI में अप्रेंटिसेस के लिए वैकेंसी आई है। बम्पर सीट इसलिए कहा था फ्रेंड्स क्योंकि 6160 सीट पे ये वैकेंसी आउट हो चुकी है। कैटेगरी वाइज सीट्स अगर हम लोग बात करें तो जनरल के लिए 2685 सीट्स है, OBC के लिए 1389, EWS के लिए 603, SC के लिए 989 एंड ST के लिए 514 सीट्स रखा गया है। तो चलो फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं स्टेट वाइज कैसे कैसे वैकेंसी को रखा गया है। राजस्थान के लिए 925 सीट्स, उत्तर प्रदेश के लिए 412 सीट्स, बिहार के लिए 50, MP के लिए 298, झारखंड के लिए 27 एंड आपका छत्तीसगढ़ के लिए 99 सीट्स है। हिमाचल प्रदेश के लिए 200, हरियाणा के लिए 150, पंजाब के लिए 365, उत्तराखंड के लिए 125 एंड तमिलनाडु के लिए 648 सीट्स है। महाराष्ट्र के लिए 466, केरला के लिए 424, आंध्र प्रदेश के लिए 390, वेस्ट बंगाल के लिए 328, गुजरात के लिए 291, असम के लिए 121। वैसे फ्रेंड्स सीट्स जिसमें ज़्यादा है आप वहाँ का अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि अगर आप UP, बिहार, राजस्थान के हो तो आप वहीं के स्टेट से फॉर्म भरोगे, नहीं। हाँ, लेकिन इसमें एक और शर्त है कि अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, तो वो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका जो ये फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है 1 सितंबर से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 21 सितंबर 2023 रहने वाला है। फॉर्म की फ़ी की बात करूं तो जनरल OBC एंड EWS से 300 रुपीज़ लिया जाएगा एंड अदर कैटेगरी मतलब जो भी हो जनरल OBC EWS के अलावा उनसे कोई फ़ी नहीं लिया जाएगा। एग्ज़ाम की डेट की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है, अक्टूबर नवंबर मतलब कि अक्टूबर से लेकिन नवंबर 2023 के बीच में ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1 अगस्त 2023, मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स होना चाहिए। और एज के लिए आपका ये बता दिया गया कि बॉर्न बिटवीन 2 अगस्त 1995 टू 1 अगस्त 2003 आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब जिन भी कैंडिडेट का जन्म 2 अगस्त 1995 से लेके 1 अगस्त 2003 के बीच में हुआ है वो इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। क्वालिफिकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपली अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल है, मेजर 2 स्टेज पर डिपेंडेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आपका ऑनलाइन टेस्ट, मतलब ऑनलाइन CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। उसके बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा कि आपने अगर फॉर्म अप्लाई कर दिया है असम का या महाराष्ट्र का तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज, जैसे महाराष्ट्र का मराठी आता है कि नहीं, असम का तो असमीज आता है कि नहीं, मतलब लोकल लैंग्वेज का एक टेस्ट होता है सिंपल सा। उसके बाद आपको आपकी जो आगे की प्रोसेस के लिए बुला लिया जाता है। तो चलो पहले हम लोग देख लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आपका जो पेपर होता है फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन का होता है, 100 मार्क्स के लिए। टाइम मिलता है आपको 60 मिनट यानी 1 आवर का रहता है। निगेटिव मार्किंग भी होता है 1/4 यानी कि 0.25 का निगेटिव मार्किंग रखा जाता है।
सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बता देती हूँ और टाइम का अलॉटमेंट बता देती हूँ, क्योंकि जो बैंक का पेपर होता है ना उसमें सब्जेक्ट वाइज टाइम अलॉटेड होता है कि इस सब्जेक्ट में इतना टाइम दिया, ये खत्म होने पे ही आप नेक्स्ट सेशन में जाओगे, अदरवाइज स्किप करते हो तो फिर से उसमें आप नहीं जा सकते। सब्जेक्ट वाइज देखें तो फर्स्ट सेक्शन है आपका जनरल या फाइनेंस अवेयरनेस का, 25 क्वेश्चन 15 मिनट में आपको ये कंप्लीट करना होता है। जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 15 मिनट में कंप्लीट करना होगा, मैथ्स के 25 क्वेश्चन 15 मिनट में, एंड रीजनिंग एंड कंप्यूटर अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 15 मिनट में कंप्लीट करना होगा। एग्जाम कंप्लीट करने के बाद सिंपल सा होगा आपका जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट है, उसके बाद आपको आपके ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है। तो इसमें फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि क्या ये परमानेंट जॉब है? नहीं, ये परमानेंट जॉब तो नहीं है फ्रेंड्स, बट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें देखो फ्रेंड्स, आपको ट्रेनिंग मिलता है 1 ईयर का, सैलरी मिलता है 15,000 पर मंथ की, मतलब 15,000 पर महीने की सैलरी मिल रही है, प्लस में आपको ट्रेन किया जा रहा है। अब आप सोच रहे हो कि परमानेंट जॉब भी नहीं है, सैलरी भी इतना कम है, तो मैं क्यों करूं? इसलिए फ्रेंड्स आपको ये करना चाहिए, मेरा ये सजेशन है, क्योंकि देखो आपको पर मंथ एक तो 15,000 का सैलरी मिलेगा जो कि आपको कोई देगा नहीं फ्री फोकट का, प्लस में आपको ट्रेनिंग दिया जाता है अप्रेंटिस के लिए, और इसका थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये होता है कि SBI क्लर्क एंड एसोसिएट की जब वैकेंसी आती है तो उसमें अगर अदर बच्चे का कट ऑफ हाई होता है तो आपको वहाँ पे कंसेशन दिया जाता है, आपके लिए कुछ सीट्स रखा जाता है। और SBI के और भी बहुत सारे जॉब में साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलता है, जो कि अगर आप चाहो तो प्राइवेट जॉब भी अगर आप करते हो तो उसमें बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो मेरा ये सजेशन है कि आप चाहो तो कर सकते हो। एग्जाम सेंटर की बात करूं तो आपका एग्जाम सेंटर ना ऑल ओवर इंडिया में है, मतलब कि अब ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में कहीं भी लिया और आपका एग्जाम सेंटर दे दिया, नहीं, आप फॉर्म अप्लाई करते हो उस टाइम आपको, आप जिस स्टेट से हो या फिर आप जहां से फॉर्म अप्लाई करोगे वहां के आपको सेंटर्स रहेंगे नियर बाय, देख के आप कोई सा भी सेंटर चूज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स आई होप कि ये सारे डाउट वगैरह आपको क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई डाउट अगर छूट भी रहा है फ्रेंड्स तो इसका जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, तो फ्रेंड्स आप लोग टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एक बार ज़रूर आप लोग उसको अच्छे से देख लेना, और अगर इसके अलावा कोई सा भी अगर डाउट वगैरह रह जाए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछना, अदरवाइज आप चाहो तो मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम चैनल, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी अपने क्वेरीज को पूछ सकते हो। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस को हमेशा अपडेट होके मिलता रहे कि अब कौन सा वैकेंसी आने वाला है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप सब, ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। मिलूंगी फिर से किसी जबरदस्त जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।